वेलकम टू क्रैक इट फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मैं पढ़ा दूंगा और उसके बाद आपको जो भी आगे की ग्रामर होगी वो आपको एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन में बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो मैं पहले छोटे टॉपिक से शुरू करता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक से शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है। इससे कई चीज़ें आती हैं आपकी, जो सेंटेंस एरर वगैरह आते हैं तो आपके इसी से आते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? ये आप देख रहे हैं स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। स्पीच का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, और कोई जो भी सेंटेंस होते हैं आपके उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, वो कई सारे पार्टों से मिलकर बना होता है सेंटेंस, ठीक है। ये तो समझ गए। और आपके इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके टोटल 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये ऐसे याद कर लीजिए आप। अगर आप ऐसे याद नहीं कर पाते हैं तो मेरे पास दूसरा तरीका और भी है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को फैमिली ऑफ ग्रामर, फैमिली ऑफ ग्रामर भी कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को फैमिली ऑफ ग्रामर भी कहा जाता है, और इसमें 8 सदस्य होते हैं। इस फैमिली में कुल 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हट के तरीका है लेकिन आप अच्छे समझ जाएंगे इसको, ठीक है। कितने? 8 सदस्य होते हैं, और कौन कौन से वो सदस्य हैं? ये हैं, ठीक है। तो इनको रिश्ते वाइज बांट देते हैं, ठीक है। इसको रिश्ते वाइज बांट दें कैसे? इन 8 सदस्य में जो सबसे बड़ा सदस्य है, घर का सबसे बड़ा सदस्य कौन होगा? पिता होगा। यानी ये है आपका सबसे बड़ा नाउन, ये पिता, या इसको पति कर लीजिए। अगर ये पति है तो इसकी पत्नी भी होगी। इसकी पत्नी कौन है? वर्ब, ठीक है। नाउन पति है और वर्ब पत्नी है। इसका बड़ा बेटा होगा प्रोनाउन, बड़ा बेटा है घर का, ठीक है। ये बड़ा बेटा है, और क्या है? एडजेक्टिव। ये छोटा, ये बड़ी बेटी है। ये हम बांट क्यों रहे हैं हम बताते हैं। देखो, जो नाउन है, ठीक है, वो घर का मुखिया है, पिता है सबका, घर का मुखिया रहेगा। जहाँ वो एक बार चला जाए तो दोबारा जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोबारा जाने से इज्जत कम हो जाती है। वो जहाँ एक बार चला जाएगा, जैसे कोई घर में शादी होती है, तो किसी और के घर में शादी होती है, तो जैसे एक बार पिता चला गया तो अब वो क्या करता है? अपने बेटे को भेजता है प्रोनाउन को, ठीक है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है। बार बार राम आ रहा है तो क्या होगा कि जो एक बार राम यूज करेंगे, ठीक है, एक बार पिता को यूज किया राम को, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब राम की जगह पे उसका बेटा जाएगा, कौन? प्रोनाउन वह। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है, समझ गए। तो ये पिता है और ये उसका बड़ा बेटा है। जहाँ पिता जाता है एक बार, वहाँ फिर बेटा जाता है, ठीक। और पत्नी, वर पत्नी है, ये हमेशा वर नाउन की सहायक होती है। वर्ब है, पत्नी पति की सहायक होती है, ठीक है। ये हर चीज़ में उसकी सहायता करती है, ठीक। वर्ब हो गया आपका। एडजेक्टिव, इस ये बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी के मतलब क्या है? ये जो बड़ी बेटी है, ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताती है। यानी पिता और अपने बड़े भाई की विशेषता बताती है कि मेरे पिता इतने होशियार हैं, मेरे पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा भाई इतना होशियार है। मतलब ये हमेशा अपने पिता और बड़े भाई की विशेषताएं बताती है,
एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, देख आपको दिख ही रहा होगा, इसमें वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, इसका संबंध सीधे सीधे वर्ब से होगा। और तो हम इसमें क्या कर लें, इसको मान लेते हैं ये छोटी बेटी है। ठीक है, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, हमारी छोटी बेटी है, छोटी बेटी है। ये क्या करती है, ये वर्ब की और कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषताएं बताती है। ठीक है, छोटी बेटी है, माँ की दुलारी होती है, तो ये हमेशा माँ की विशेषताएं बताती है और कभी कभी अपनी बड़ी बहन की विशेषता बता देती है। ठीक है, समझ में आ गया ना एडवर्ब का काम। अब आते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है, ये हमारे हैं चाचा जी। प्रपोजिशन हमारे हैं चाचा जी, ये क्या करते हैं, इनको सब चीज़ पता होती है, कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो ये सब कुछ बता देते हैं। यानी इनका मेन काम क्या है, ये रिलेटिंग वर्ड बताते हैं। जैसे दूध कहाँ रखा है, ये बता देंगे, दूध फ्रिज में रखा है। ठीक है, पेन कहाँ है, पेन मेज पर रखा हुआ है, ये रिलेशन बताते हैं, ये रिलेशन बताते हैं, रिलेटिंग वर्ड बताते हैं। ठीक है, तो प्रपोजिशन भी समझ गए होंगे आप, इनसे कुछ चीज़ भी पूछो ये बता देंगे कि ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, ये हमारे घर के दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, और ये हैं दादाजी। ठीक है, ये क्या करते हैं, सबको एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आइदर को नाइदर से, ठीक है, एंड से, ये सब एक दूसरे को, ये सबको जोड़ने का काम करते हैं। जो पुराने बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजंक्शन क्या है, हमारे दादाजी ये सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरजेक्शन में, लास्ट, ये आपके हैं पड़ोसी जी। पड़ोसी हैं, ये मज़े लेते हैं आके। जैसे घर में कुछ भी लड़ाई हो गई तो ये चले आएंगे सीधे सीधे, क्या हो गया। ठीक है, जैसे घर में कुछ अच्छा हो गया आपके तो ये चले आएंगे, बोलेंगे वाओ। तो वाओ वर्ड कहाँ से आया आपका, इंटरजेक्शन। ठीक है, समझिए, ये पड़ोसी हैं, ये कुछ भी होता है आपके घर में चले आते हैं। ठीक है, और वाओ वर्ड की, वाओ वर्ड कहाँ से आया है आपका, इंटरजेक्शन से आया है। तो मुझे लगता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। सिंपल है, ज़्यादा बड़ा वीडियो करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, और मैंने इस सारी चीज़ें लिख भी दी थी इसलिए पहले से ही, कि अगर मैं लिखता इसमें तो टाइम ज़्यादा लगता। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता, छोटे छोटे टाइम में, थोड़े थोड़े टाइम में आपको पूरी ग्रामर सिखा दूँगा।